दोस्तों, मैं बियर्ड लूल आज फिर से फंस गया हूँ इस बियर्ड जंगल में, और आज मैं बताऊंगा इस जंगल से निकलने का सही तरीका। वैसे मैं ही क्यों बार बार साला यहाँ फंस जाता हूँ। दोस्तों, बहुत दूर आ चुके हैं हम लोग चलते चलते। बहुत दूर एक नदी है, उस नदी को पार करके हमें जाना होगा, फिर वहाँ पे हमें हमारा हेलीकॉप्टर लेने आएगा। और मेरे साथ मेरे पूरे क्रू मेंबर हैं और मेरे कैमरामैन भी हैं। और सुबह से कुछ खाया नहीं है तो भूख भी लगा है, तो आगे चल के देखते हैं कुछ खाने का मिलता है कि नहीं। लेट्स गो। दोस्तों, ये पेड़ आप जो देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है। दोस्तों, जंगल में आपको ऐसा पेड़ मिल जाए तो इसको इग्नोर ना करें। इन पत्तियों में इतना प्रोटीन होता है कि आप खा रहे हो तो कुछ देर तक आपका गला नहीं सूखेगा और आपको प्यास लगी ऐसा महसूस भी नहीं होगा। ऐसे पेड़ आपको दिखे तो इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह दिखते हैं। इनके पत्तियों को हम भी खाते हैं और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जेब में भी रखते हैं। तो जब मैं मिलिट्री में हुआ करता था तो मेरी एक बार चड्डी फट गई थी, तो मैंने इन्हीं कांटों से सिला था। ये बहुत ही नुकीला होते हैं जो कि आपके गांड भी फाड़ सकते हैं। थोड़ा बच के चलना होगा आप लोगों को, क्योंकि ये गांड में कभी भी और किसी वक्त भी घुस जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगर आप ऐसे जंगल में फंस गए तो आपकी गांड फटनी तो फिक्स है। मैं तो घर से सुई धागा लेके आया हूँ। जिस नदी का हमें तलाश थी वो यही नदी है। भले ही सूखी नदी है लेकिन हमें ये पानी तक पहुंचा सकती है और किसी गांव तक भी, तो हमें इसी नदी के सहारे आगे भी बढ़ना होगा। काफ़ी टाइम हो गया मुझे चलते चलते और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, तो पानी का भाई मेरे पास एक ही साधन बचा है। वो आप लोग को शायद पता है कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये बोतल आधा था जिसको मैंने पूरा कर दिया है। तो अभी भाई मेरे को लगा है प्यास, तो भाई इसको पी के मैं फिर से आगे बढ़ने वाला हूँ। और भूख भी लग रही है तो खाने के लिए भी हमें कुछ खोजना होगा। थोड़ा सा नमक जैसा स्वाद है, पर बात जान पे आ जाए तो कुछ भी करना पड़ता है। कैमरामैन पियोगे? नहीं नहीं सर, आप पियो। साला प्यासा मरेगा भोसड़ी का। तो जंगल में भूख लगी हो तो ये चीज़ मिल जाए तो भाई बात बन जाए। इस चीज़ को आप कोई नॉर्मल चीज़ मत समझो, इसे खाया जा सकता है। ये है जंगल की इमली। शायद आप लोग पहली बार इस चीज़ को देख रहे होंगे, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। इससे इतना पावर तो नहीं, पर थोड़ा सा पेट में दम आ सकता है। तो ऐसे ही एक बार 2010 की बात है, दो प्रेमी जोड़े आए थे जंगल में घूमने। अब उन्हें जंगल में ही क्यों घूमना था ये बात तो राज का राज ही रह गया है, लेकिन भालुओं ने उनको ऐसा गायब किया कि आज तक उनका पता नहीं चला। तो हमें भी सतर्क रहना है क्योंकि यहाँ पे शेर, भालू और लेपर्ड जैसे बहुत भारी भारी जानवर हैं। तो हमें बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, हमें शाम होने से पहले घर भी बनाना होगा। हमें तलाश ही कुछ अच्छे जगह की, वो ये जगह बिल्कुल अच्छी है। और हाँ दोस्तों, आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ, इस जंगल में इतने भालू हैं, अगर आपको दिखे तो आपको उनसे डरना बिल्कुल भी नहीं है। उनका सामना आप लोगों को करना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। जब भी भालू आए तो आप अपना हाथ ऊपर करके कुछ भी नहीं करें, आपको उनसे अपना बड़ा दिखाना है। क्या सर? कुछ नहीं, मेरे अकेले सोने पर इस पेड़ में मैं बना सकता हूँ। एक आदमी तो आराम से सो जाएगी। सर मैं कहाँ सोऊंगा? तू यहाँ सोएगा। सर ये कोई बात नहीं, आज घर पे होता तो बीबी के हाथ का पकवान खाता। कहाँ इस जंगल में आके फंस गया। हट। इधर से कुछ कहीं से भी कुछ खाने का व्यवस्था हो जाए। सर 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 मुझे बहुत तेज सुसु लगी है। मुतना, तेरा हगना मुतना चालू हो जाता है भाई हमें। सर पकड़ो ना कैमरा। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हो इसका हगना मुतना चालू हो जाता है। साले 250 रुपए तेरा आज का काट लूंगा मैं। पैसा का यही आदत हो गया है, कभी मुतना कभी हगना लगा रहता है। देख रहे हो उसका। मैं कैमरामैन को भी जल्दी बदलने वाला हूँ। आप लोगों में से कोई कैमरामैन का काम करेगा तो अपना भाई नंबर कमेंट में पिन कर दो। तेरा 250 रुपये आज का कटेगा। ले कैमरा पकड़। कैमरामैन, खाने में यार कुछ मिल नहीं रहा है, लगता है अपना रामबाण निकालना पड़ेगा। साला जंगल में आया करो तो भाई खाना वाना लेके आया करो, ऐसे जंगल में ऐसे मर जाओगे साले भूखे। तुम सांप कीड़ा मकोड़े साले तुम लोग के बस की बात नहीं खाना, अपना रामबाण निकालना पड़ेगा मुझे। कैमरामैन तू खाएगा? हाँ सर, भूख लगी बहुत जोर का। हाँ तो ये खा ले। साला पानी पीने बोला तो क्यों नहीं पिया रे? सर क्या ना, पानी ज्यादा फिल्टर कर दिए थे। तुम लोगों को क्या लगता था भाई कीड़ा मकोड़ा खाऊंगा?
टट्टी खोज के खाऊंगा। नहीं भाई, घर से रामबाण लेके आया हूँ मैं जानता हूँ साला ऐसे जंगल में कुछ मिलता नहीं है। तुम लोग जैसे पागल थोड़ी हो, अभी मेरा हेलीकॉप्टर भी उठते उठते मेरे को एक बगल से लेके जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग। कैमरामैन खाएगा? हाँ सर, भूख लगी बहुत जोर से। ले खा ले, आ जा। बढ़िया माल है बे। कुछ और भी माल लेके आए हैं सारा जंगल में, मुझे पता है कुछ मिलने वाला नहीं, इसीलिए घर से ही मैं लेके आता हूँ सब कुछ। तुम लोग का क्या लगता है, थोड़ा सा एक कीड़ा उड़ा खा के दिखा देता हूँ तो वही खा के मैं जीऊंगा? पगला गए हो साले, जंगल में तुम लोग मत आया करो, बोलता हूँ वही चला जाया करो, जंगल वंगल बेकार है। इसको अभी खा के कैमरामैन खाएगा? हाँ सर। बाघ साले एक ही है, तेरे को नहीं दूंगा मैं। और 250 रुपए तेरे काटने वाला हूँ मैं आज सर, क्योंकि शेर आया पीछे से। सर सर